किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल ने बातचीत से समाधान निकालने के बजाय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े संगठनों को किसान संगठन मानने से ही इनकार कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आग्रह किया है कि वह किसी के दबाव में आए बिना कृषि सुधार कानूनों को जारी रखें। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों से कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल सका है। आंदोलनरत किसान संगठन केवल कृषि कानून वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल ने हड़ताली संगठनों से इस अड़ियल रवैये पर हैरानी जताते हुए कहा है कि दरअसल यह संगठन किसानों के हैं कि नहीं है, यह वे विरोधी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि किसानों का भला हो। कमल पटेल ने कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और आपका नाम लेते हुए कहा कि इनका कोई समर्थन नहीं है। देश के किसान कृषि कानूनों के समर्थन में केंद्र सरकार के साथ कमल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वे किसी के दबाव में ना आए और कृषि कानून को जारी रखें। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसानों को सम्मान निधि देने की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसकी मांग खेती में नुकसान के बावजूद कभी किसान संगठनों ने नहीं की थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को संबल दिया तो इनमें से किसी संगठन ने आगे आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद नहीं किया। यह कैसे किसान संगठन है जो किसानों का भला होते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं। कमल पटेल ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में है और किसानों की दशा और दिशा बदलने वाले हैं। जो क्रांतिकारी कदम उठाया भारत सरकार ने, उसका पूरे देश के किसान समर्थन कर रहे हैं। कुछ चुटकी भर लोग विरोध कर रहे हैं, वो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि किसान सक्षम बने, वो नहीं चाहते कि देश सक्षम बने, वो नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को दुनिया का सिरमौर बनाए। और इसलिए ऐसे लोग जो हमारे विरोधी हैं या विरोधी पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस, कम्युनिस्ट, आप और दुनिया भर की विरोधी पार्टियां जितनी भी हैं वो कर रही, तो उनके कुछ समर्थक जो है वो अड़े हुए हैं। लेकिन ये किसानों के हित में है। एक भी जो आंदोलन कर रहे हैं संगठन, इन्होंने प्रधानमंत्री जी का स्वागत नहीं किया कि आपने गरीब किसानों के हित में काम किया, और इसलिए आप किसानों के संगठन हो ही नहीं सकते। अगर किसानों के हित के संगठन होते, नेता होते, तो आपको प्रधानमंत्री ने जो अच्छा काम किया, पुण्य का कार्य किया है, गरीबों को संबल दिया, उसके लिए आपको स्वागत करना चाहिए था। ऐसे देंगे, इससे गांव के विकास के द्वार खुलेंगे और गांव आत्मनिर्भर होंगे। अब किसान खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग भी कर सकेगा। जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाएंगे। और MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उच्चतम खुदरा मूल्य, अभी तक सिर्फ शहर के लोग, व्यापारी और उद्योगपतियों को MRP का अधिकार था, किसान को नहीं था। ये पहले प्रधानमंत्री हैं और ये स्वामित्व योजना और तीनों कृषि कानून से अब किसान को भी MRP पर, उच्चतम खुदरा मूल्य पर बेचने का अधिकार मिला है, जिससे जो बिचौलिए और मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति हो गए थे, अब करोड़ों लोग गाँव के लोग किसान होंगे, तब जाकर गरीबी हटेगी, हर आदमी सक्षम होगा और हमारे उपभोक्ताओं को भी सस्ता मिलेगा। अभी तक कांग्रेस ने देश के लोगों ने मेहनत करता किसान और माल कमाते थे उद्योगपति और बिचौलिए, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब जो मेहनत करेगा वो कमाएगा, और इसलिए मोदी जी ने पुण्य का कार्य किया है, मोदी जी के साथ हैं और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो उनका संकल्प है उसको किसान मेहनत करके, मजदूर मेहनत करके पूरा करेंगे। और इसलिए मोदी जी आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपके साथ पूरा देश है। ये चुटकी भर लोग जो किसान विरोधी हैं, देश विरोधी हैं और जो नहीं चाहते कि देश सक्षम बने या किसान सक्षम बने, वो लोग विरोध कर रहे हैं, उनके दबाव में सरकार नहीं आ रही है, ना आएगी, और इसलिए खुली बहस करने को हम तैयार हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।